नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, कपास की फसल में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको अपनी फसल में ज़्यादा फल फूलों को लाना होगा। कहने का भाव है, जब हमारी कपास में ज़्यादा फल फूल आएंगे तभी हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो आज मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनका उपयोग आपको अपनी कपास की फसल में करना है, जिससे आपकी फसल में ज़्यादा फूल आएंगे तथा ज़्यादा टिंडे बनेंगे, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। साथ ही इस समय कपास में एक समस्या आती है फल फूल झड़ने की, तो उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखना है, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, अधिकतर एरियों के अंदर इस समय कपास के अंदर फल फूल आना शुरू हो चुका है। कुछ जगह जहाँ अगेती कपास बोई जाती है वहाँ पर टिंडे भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ उनमें नरमे के अंदर फल फूलों को बढ़ाया जा सकता है। आप सबसे पहले आप ले लीजिए NPK 13045। NPK 13045 के अंदर 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और वहीं 45% पोटाश की मात्रा इसके अंदर होती है। आप इसका प्रयोग कपास की फसल में करते हैं तो आपकी फसल को नाइट्रोजन व पोटाश तत्व मिलते हैं, जिससे पौधों की क्या काम करते हैं कि ये बढ़वार अच्छी होती है, फल फूलों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। और पोटाश का काम होता है फल फूलों को मजबूती प्रदान करना और फलों के अंदर चमक प्रदान करना। तो किसान भाइयों, फसल में इसके प्रयोग से टिंडों का जो आकार है वो भी बढ़ता है और ज़्यादा टिंडे निकलते हैं। आपको पहली चीज़ NPK 13045 लेनी है, जिसकी डोज की अगर बात करूँ तो आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखना होता है। 150 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। वहीं अब दूसरी चीज़ की बात आती है, दूसरी चीज़ का हम नंबर लेते हैं तो आप ले लीजिए बोरोन 20%। किसान भाइयों, बोरोन को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, फसल उत्पादन में बोरोन का बहुत अहम रोल होता है, मुख्य स्थान होता है। तो आप बोरोन का उपयोग करते हैं तो यह आपकी फसल में टिंडों में आकार बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही टिंडों के अंदर चमक प्रदान करता है, साथ ही कपास के अंदर पीलापन है, पीलापन की समस्या को ख़त्म करता है। और जो टिंडे फट जाते हैं शुरुआत में या बीच में, वो टिंडे फटेंगे नहीं, आपके लास्ट तक भी टिंडे नहीं फटेंगे। एंड में जाके जब खिलने का टाइम आएगा, जब बहुत ही शानदार खिलेंगे टिंडे और टिंडों की संख्या जो है वो दुगनी हो जाएगी और हमारे उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होती है। तो आपको बोरोन का उपयोग करना है। अब इसकी बोरोन की डोज की बात करूं तो आप डोज के अंदर पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या दोनों को एक साथ मिलाकर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो चीज़ें मैंने बताई है इनका उपयोग अपनी फसल में फल फूल आने शुरू हो गए हों तब आप उस समय इनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसल में फल फूल बढ़ा सकते हैं। आपकी फसल में फल फूल बढ़ जाएंगे और नरमे का उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, फल फूल झड़ने का भी कंट्रोल कर सकते हैं। फल फूल जो अगर झड़ रहे हैं उनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये काम करिए और नरमे का उत्पादन बढ़ाइए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।